हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो आईपीएल 24 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्क्वाड पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में आरसीबी को लेकर आईपीएल 24 में बेहद ही ज़्यादा लोगों का राय बटा हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि आरसीबी सबसे मजबूत टीम है आईपीएल 24 में, तो बहुत से लोग मानते हैं कि आरसीबी सबसे कमजोर टीम है आईपीएल 24 में। तो आज हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या रहने वाला है आईपीएल 24 में, और दो सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए आईपीएल 24 में। पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे इसी के बारे में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम आरसीबी के दो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स के बारे में। जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आईपीएल 24 में, वह है उनके बल्लेबाजी। जहां दोस्तों आईपीएल की किसी भी टीम को उठाकर देख लीजिए, जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है वह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास ही है। बात करें विराट कोहली हो या फिर फाफ डुपालिस हो या फिर ग्लेन मैक्सवेल हो या फिर कैमरन ग्रीन हो या फिर दिनेश कार्तिक हो, ऐसे बल्लेबाज है जो कि 20 ओवर में 300 प्लस स्कोर भी बना सकते हैं अगर इनका दिन हो तो। अगर कोई एक का दिन नहीं है तो दूसरा धमाल मचा सकता है। और जिस टीम में विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल एक ही टीम में हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका बल्लेबाजी लाइनअप कितना घातक है। ऐसे में इनके लिए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही दिख रहा है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का आईपीएल 24 में, वह है ऑलराउंडर्स। जी हां दोस्तों, बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स है। चाहे बात करें कैमरन ग्रीन, जो कि इसी वर्ष शामिल हुए आरसीबी में, बता दें कि कैमरन ग्रीन के लेकर बेहद ही ज्यादा कहा जा रहा है कि यह ओवर रेटेड है, ज्यादा दाम दे दिया गया है। लेकिन कैमरन ग्रीन आने वाले फ्यूचर है आरसीबी का, इसमें कोई शक नहीं है। या फिर बात करें ग्लेन मैक्सवेल का, जो कि अपने दम पर पूरी तरह से मुकाबला बदल देने का मादा रखते हैं। या फिर बात करें विल जैक का, या दोस्तों सभी टॉप क्लास के ऑलराउंडर है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को और बेहतरीन टीम बनाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के वीकेस्ट पॉइंट्स के बारे में। तो उनका सबसे बड़ा वीकेस्ट है वह है तेज गेंदबाजी। बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास जो तेज गेंदबाजी लाइनअप है उसमें मोहम्मद सिराज है, लेकिन इसके अलावा कौन है देख लीजिए, रिश टॉपली है, इसके अलावा अलजारी जोसेफ है और यश दयाल है। यह ऐसे तीनों तेज गेंदबाज है जिन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। रिश टॉपली को हटा दिया जाए तो अलजारी जोसेफ और यश दयाल बेहद ही महंगे साबित होते हैं हमेशा से। ऐसा नहीं है कि एक दो ही सीजन खेले, कई सीजन खेले अलजारी जोसेफ और यश दयाल, और दोनों बेहद ही महंगे रहे। इसी वजह से गुजरात टाइटन्स भी छोड़ी थी इन दोनों को। इसके अलावा बता दें कि फर्गुसन भी है और वह भी उसी प्रकार कुछ तेज गेंदबाज है जो कि बेहद ही महंगे साबित होते हैं, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सबसे चिंता के बात है। इसके बाद बात करें जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का आईपीएल 24 में, वह है मुख्य स्पिनर। जहां दोस्तों बात करें जो मेन स्पिनर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास, वह है ग्लेन मैक्सवेल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास कोई स्पिनर नहीं है। और बता दें कि इंडिया में अगर मुकाबला होता है तो वहां पर स्पिनर बेहद बड़ा फैक्टर रोल निभाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर एक मुकाबले में आकर वह चार ओवर डाल जाए। हो सकता है किसी दिन बेहद ही महंगे भी साबित हो जाए, उस दिन शायद ही कोई स्पिनर मिलेगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के जो कि चार ओवर कर सके सही से, जिस पर विश्वास किया जा सके। विल जैक भी एक स्पिनर है, लेकिन वह भी एक पार्ट टाइमर स्पिनर है, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। क्योंकि शुरू में अगर मोहम्मद सिराज अच्छा गेंदबाजी कर चले भी जाते हैं तो बीच में आकर जो मुकाबले को कंट्रोल करना होता है वहां पर शायद बार बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु फिसल जाएगी, क्योंकि उनके पास मुख्य स्पिनर भी नहीं है। वनिंदु हसरंगा थे जिसे बाहर कर दिए टीम से, इसके अलावा चहल भी थे, उसे भी बाहर कर दिए टीम से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो कि हमें लगता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सबसे बड़ा भूल की है। तो दोस्तों यह था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट्स। तो आपको क्या राय है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।